हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। तो ये क्लास ट्वेल्थ में इस बार थोड़ा सा चेंजेस हैं, जो पेपर होंगे आपके बोर्ड के उसमें एक टर्म वन होगा आपका अक्टूबर नवंबर में और फिर टर्म टू होगा आपका मार्च के आसपास। तो इसमें क्या है इस बार कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसे सिंपल नहीं दिए जाएंगे कि आपको क्वेश्चन दिया उसमें चार ऑप्शन में, आपको केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उन क्वेश्चन को आपने स्टडी करना है, फिर उसके बेसिस पे नीचे तीन चार पांच क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करवाते हैं आज आपको फंडामेंटल्स चैप्टर की, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं हम फंडामेंटल्स, केवल फंडामेंटल्स का भी एक एक चैप्टर करके करेंगे और बाद में फिर एक कंप्लीट पेपर भी हम बना लेंगे जो जो टर्म वन में कोर्स कवर होना है। तो इसके लिए लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर फंडामेंटल्स आपने अभी नहीं देखा है, ढंग से स्टडी किया है, तो आप पहले इसके प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस, छह वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, वो एक बार आप देख लें और फिर करें। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लें इसका या नोट कर लें जैसे भी करें और उसके बाद इसको देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखिए इन क्वेश्चंस में एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे इसमें जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के एमसीक्यू होते हैं उसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है पहले पेपर। ऐसा नहीं होगा कि सीधा आपको थ्योरी बेस्ड आपने याद करा कि इसका आंसर इसका ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या किसी पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट है या प्रॉफिट वगैरह का है, तो इनके लिए पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिजनेस के क्लोजिंग डेट क्या है ईयर की, वो देखना है। फिर किसी का लोन वगैरह है तो उसने लोन कब दिया और क्या क्लोजिंग डेट है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आई, पढ़ते हैं क्वेश्चन की। जानवी, दीप्ति, प्रियंका तीन पार्टनर हैं। जानवी इज एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस, दीप्ति एंड प्रियंका है मास्टर ओवर मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2020 दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए सबसे पहले आप डेट नोट कर लें, 1 अक्टूबर 2020 ये इनकी स्टार्टिंग डेट है बिजनेस की, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल 3 लाख 2 लाख 1 लाख, ये इनकी कैपिटल है 3 to 1। इट इज एग्रीड अमंग देमसेल्फ दैट दीप्ति विल गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2000, दीप्ति को 2000 मंथली सैलरी मिलेगी। ऑन 1 जनवरी 2021 जानवी एडवांस्ड ए लोन ऑफ 4 लाख। देखिए लोन ऑफ जानवी ये दिया गया 1 जनवरी 2021 में, इसकी डेट आप मार्क कर लें, 4 लाख का लोन है दिया है फॉर एक्सपेंडिंग इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन के बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसलिए दिया गया आपको 8% इंटरेस्ट। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि एन एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ 8% ऑन इट, जो लोन दिया जा मैंने 4 लाख रुपीज का 8% के रेट से इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रही है, ये डिसाइड नहीं है एक्सपेक्ट कर रही है। एक्सपेक्ट करने से कुछ नहीं होता, आपको डीड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ डीड के अगेंस्ट, मतलब मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में तय नहीं हो रखा पार्टनर्स में, तो डीड की एब्सेंस में जो रूल लगते हैं वो रूल आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखा है एक्सपेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8% दे देंगे आपसे, आपको 6% ही देना होगा ऑन, या फिर लिखा हुआ वकील करके डिसाइडेड इतना देना है। ऑन 31 मार्च 2021 व्हेन दे वर क्लोजिंग देयर अकाउंट्स, तो आप क्लोजिंग डेट आपको मिल गई 31 मार्च 2021। तो देखिए अक्टूबर में शुरू हुआ, मार्च में क्लोज, तो 6 मंथ करंट ईयर में आपका बिजनेस चला। और फिर लोन का इंटरेस्ट भी देख लें, 31 मार्च में ईयर क्लोज हो रहा है, तो ये तो 3 मंथ का ही मिलेगा आपको। तो ये चीजें पहले आपको मार्क कर लेनी चाहिए किस तरह सॉल्व होगी। अब क्या लिखा इसमें है कि जानवी सजेस्टेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, जानवी ने कहा कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। दीप्ति वॉन्ट्स इट टू बी 4%, दीप्ति कह रही है कि 4% दीजिए, लेकिन प्रियंका इनके अगेंस्ट कह रही देना ही नहीं है। तो ये अब आप समझ जाइए कि इसका मतलब डिस्प्यूट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डीड इनके एब्सेंट है, या तो डीड है ही नहीं, और या अगर डीड है तो उसमें डीड साइलेंट है इसके बारे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो नहीं दिया जाना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज 120,000 प्रॉफिट है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव चूज करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए क्या आंसर आप देंगे, क्वेश्चन नंबर वन में ए पार्ट पहला क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ दीप्ति विल बी, दीप्ति की सैलरी कितनी होगी, 24, 12, 10, नन ऑफ दिस, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहां लिखते हैं हम सैलरी टू दीप्ति,
2000 पर मंथ, बिजनेस शुरू है अक्टूबर में, ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च में, 6 मंथ, तो 6 मंथ की हो गई रुपीज 12,000। तो कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन जानवीज लोन विल बी, जानवी के लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन जानवीज लोन, देखिए लोन दिया जानवी ने 4 लाख रुपीज जो कि आपको दिया हुआ है इसमें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा है कि जानवी एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट 8%, 8% एक्सपेक्ट करे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नहीं मिलेगा, आप या तो डिसाइडेड हो और फिर नहीं है डिसाइड, तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड में जो होता है वो करिए आप 6%, और पीरियड वाइज चलते हैं, 6% पर एनम होता है, लोन जनवरी में दिया है, मार्च में क्लोज हो रहेगा, तो 3 मंथ का, तो कैंसिल ₹6,000, ठीक है। तो अब आप देखिए ऑप्शन में 6,000 आपको कहाँ दिया है, फोर्थ पार्ट, तो आंसर आपका हो गया फोर्थ, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, आप लिख दें यहाँ पर आंसर आंसर। सी पार्ट में आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5%, 4%, 6%, नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देंगे, 5%, 4% या 6% या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या लिया है इसमें कि जानवी कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, दीप्ति का कहना है 4%, प्रियंका अपोज कर रही है इन बातों को, तो इसका मतलब डिस्प्यूट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और कंसेंसस नहीं बन पा रही है, तो इसके अंदर डीड नहीं बनी हुई है, तो इसका होगा नन ऑफ दीज, यानी कि आंसर आपका हो गया फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं डी में, तो इतना आसान है बच्चों, फटाफट अगर आप एक बार इन चीजों को ढंग से समझ लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। डी, प्रॉफिट अलाउड टू जानवी दीप्ति एंड प्रियंका रिस्पेक्टिवली विल बी, अब प्रॉफिट कितना कितना देना है, देखिए प्रॉफिट देने के लिए आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन यहां हमारा कोई इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाने के लिए तो बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट जो आइटम प्रॉफिट में से लेस होने प्लस होने उनको प्लस माइनस करके आप मालूम कर लीजिए कि कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट आपको जो दिया गया है वो है 1,20,000, प्रॉफिट के साथ कोई नोट मार्क नहीं किया गया है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस बिफोर चार्जिंग दिस, यानी कि जब ऐसा होता है कुछ लिखा नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं जो भी आइटम दिए गए वो कोई भी चार्ज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन है 6,000 का, तो ये आपको पीछे जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट हमारे पास 120 है, इंटरेस्ट ऑन डीप्टी लोन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है वो इसको लेस करने के बाद आता है, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से पीछे का अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पीछे का अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट वहां जाता है। तो हम ये मानेंगे कि ये भी एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको पहले लेस कर लें, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये 6,000 आप लेस करें 1,14,000, ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहां से आप लेस करें लेस सैलरी, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सैलरी आती है, तो हमें कहते पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है, तो जो जो लेस हम कर लेंगे यहां पर 1,02,000 ये प्रॉफिट होगा। अब देखिए प्रॉफिट कितना जाएगा, प्रॉफिट 1,02,000, तीन पार्टनर है, रेशियो गिवन नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये आ जाएगा ₹34,000, तो ये हमारा निकल आएगी प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को 34,000 ईच देना है। तो अब इसका आंसर देखिए सिलेक्ट करते हैं डी पार्ट में 34,000 ईच, फोर्थ पार्ट, यह लिख दीजिए आंसर फोर्थ पार्ट ₹34,000 ईच। अच्छा अब नेक्स्ट है ई पार्ट, देखिए ई में बोला है हाउ आर दे टर्म्ड जॉइंटली, देखिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं ना, इंडिविजुअली उनको बोलते हैं पार्टनर्स, और अगर कलेक्टिवली या जॉइंटली बोलेंगे तो दे आर प्रोनाउंस्ड एज फर्म, तो इसका आंसर सिंपल है, बिल्कुल आंसर सेकेंड पार्ट हो गया फर्म। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, देखिए कुछ टाइम नहीं लगता ज्यादा, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें केस स्टडी दी हुई है तो आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्व तो देखिए करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल लिटरल वे में पीएनएल बना रहे हैं, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट कुछ नहीं, आप ऐसे जोड़ तोड़ करके वर्किंग नोट्स में आप कर देंगे और फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे।
तो ये करने का तरीका, एक क्वेश्चन हो गया, अब आप इसको देख लेना एक बार हटा चलने से, आप स्क्रीन को रोक करके वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें या देख लें, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में क्या इसको पढ़ते हैं एक बार फिर, तो ये क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स रिटर्न फॉलोइंग अमाउंट, 5,000 ऑन 1st अप्रैल, 6,000 ऑन 1st जुलाई, 12,000 ऑन 1st अक्टूबर, 15,000 ऑन 1st दिसंबर, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन दिसंबर 31, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10%। तो ये आपको देखिए डेट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, तो आप फॉर्मुला तो लगा नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ेगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर डेट लिखते हैं हम सबसे पहले 1st अप्रैल, अमाउंट विड्रॉन कितने के हमने 5,000, दिसंबर में अमाउंट क्लोज होने हैं, अप्रैल में निकलता है, तो 9 मंथ तक यूज किया होगा, यहां प्रोडक्ट कितने थे इसका 9,545। नेक्स्ट अमाउंट निकाले हैं 1st जुलाई में, क्या लिखेंगे 1st जुलाई कितना अमाउंट निकाला 6,000 रुपीज, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ हो गए, तो 36,000 रुपीज प्रोडक्ट जाएगा 36,000 रुपीज। नेक्स्ट है 31st अक्टूबर, अमाउंट विड्रॉन 12,000, तो देखिए अक्टूबर तो क्लोज हो गया, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं 24,000 रुपीज, और लास्ट उन्होंने किया है 15,000 ऑन 1st दिसंबर, 1st दिसंबर में 15,000 रुपीज, तो दिसंबर दिसंबर ये बस 1 मंथ 15,000, तो अब इनका टोटल कर लेंगे तो यह आ जाएगा देखिए 0,0,0 1,20,000। एक बार फिर क्या करते हैं, एक बार फिर ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब IOD फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12, तो देखिए 1,20,000 आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%, 10/100, ठीक है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 1 मंथ के निकालना है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी 1 मंथ में चेंज हो चुका है, तो 10 कैंसिल, 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल, 1,000 रुपीज ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए 1,000 कहां दिया हुआ है फर्स्ट, तो आंसर फर्स्ट पार्ट रुपीज 1,000। तो इस तरह से थोड़ा सा आपने सॉल्व किया, 1-2 मिनट लगेंगे लेकिन आंसर आपका करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर मतलब पूछ रहा है ऐसे इसमें, तो अब यह ध्यान रखिए कि किसी भी अकाउंट का नेचर अगर आपने निकाला तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस रिवील होता है वो अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है तो उससे प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है, तो आप क्या करेंगे इसमें कोई आपको कुछ सॉल्व अप नहीं करना है, आप इसका आंसर लिखिए 1 नॉमिनल, पहला पार्ट इसका आंसर है नॉमिनल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए प्रभास शोभिका संजीता ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st अप्रैल 2020 में, कैपिटल 3,00,000-2,00,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली है, ऑन 1st अक्टूबर 2020 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2,00,000 ईच। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 1st अक्टूबर से 2,00,000 रुपीज आएगी, फॉर दिस दे हैव डिसाइड टू ब्रिंग इन और विड्रॉ कैश अकॉर्डिंगली, तो जितनी जिसकी कैपिटल कम होगी वो ला के देगा, जिसकी ज्यादा होगी निकाल देगा, इंटरेस्ट 6% है, आपको 31 मार्च में अकाउंट क्लोज करना है तो आपको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है कितना होगा। देखिए सिंपल तरीका है बिल्कुल इसके लिए, आप यहां नाम लिखे पहले पार्टनर्स के प्रभाव, उसके बाद आप यहां लिखते हैं शोभिका, उसके बाद यहां लिखते हैं संजीविता, ये आप इनके हमने अकाउंट आपको बना लिया, इससे कैलकुलेशन हमारी पूरी हो गई। अब हम यहां के लिखेंगे IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए स्टार्ट कब किया है 1st अप्रैल से,
तो वो चेंज कर दिया कैरेक्टर को 1 अक्टूबर में, तो यानी कि 30 सितंबर तक 6 मंथ हो गए। तो पहले इन सभी की कैपिटल में 6 मंथ का इंटरेस्ट इनिशियल बैलेंस निकालते हैं। इनिशियल बैलेंस 3 लाख है, 6/100, 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकले 6%, 6/12 हो जाएगा ₹9,000। इसकी कैपिटल 2 लाख है, 6/100, 6/12 ₹6,000। इनकी कैपिटल 1 लाख है, 6/100, 6/12 देखिए बिल्कुल सब 6/100 और 12 तो सेम है, कैपिटल 2 लाख है 1 लाख, तो हाफ आ जाएगा इसमें ₹3,000। या अब आप नेक्स्ट चलिए 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, फिर 6 मंथ है। अब क्या करें, उन्होंने कैपिटल चेंज करके 2 लाख इंच हुई, तो 2 लाख इंटू 6/100, 6/12। देखिए यही आपने क्या कर दिया, 2 लाख इंटू 6/100, 6/12, तो जो यहां है वही आएगा आंसर 6,000। तो यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट 9,615 बचेगा। इनकी कैपिटल तो फिर 2 लाख पहले थी, 2 लाख अभी भी है, 6/100, 6/12, 6,000, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000। 2 लाख इनकी भी कैपिटल हो गई संजीता की, 6/100, 6/12, तो ये तो सब सेम ही आएगा ना, 6, 6, तो इसका भी 6 ही आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 9,000 रुपीज। तो अब देखिए सबका क्या क्या आंसर है, 15, 12, 9। अब आपको देखना है कि ये जो 15, 12, 9 है कहां पर आ रहा है आपका, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, 15, 12, 9 यानी कि थर्ड पार्ट, तो आंसर आपका इसमें जो आएगा थर्ड पार्ट, ये आंसर हो गया। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आप इनको यहां से आधा 2, 3, 4 को देख लें एक बार, और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे के पार्ट्स के कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम आपके सामने, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन है, शैलेश, दिव्यांशु और उन 3 पार्टनर हैं, 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बिजनेस है इनका, लो कॉस्ट स्कूल यूनिफॉर्म और बैग्स अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को सप्लाई करते हैं। कैपिटल 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। डिमांड प्रोडक्ट काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 1 अक्टूबर 2020 में शैलेश ने 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल दी, और दिव्यांशु ने 1 दिसंबर में 2 लाख रुपीज का लोन दिया। अरुण को गारंटी मिली है कि उसको कम से कम 25,000 रुपये प्रॉफिट, 25,000 प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आपसी सहमति हुई, म्यूचुअल कंसेंसस हुआ कि 6% इंटरेस्ट कैपिटल पर देंगे। अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होते हैं, प्रॉफिट 121 है। 4 आपको क्वेश्चन दिए गए, नीचे इनके आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए पेपर आपके सामने स्क्रीन पर होगा, आप इसे देख लें एक बार अच्छी तरह से, और अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया। इंटरेस्ट ऑन शैलेश, दिव्यांशु और अरुण कैपिटल रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ हमने लिखते हैं शैलेश, दिव्यांशु, अरुण। तो देखिए सबसे पहले इनकी कैपिटल जो 1 अप्रैल में है वो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर में इस, ये तो इनकी कैपिटल ओपनिंग हुई, और शैलेश ने 1 लाख रुपया और दिया, इन्होंने किसी ने भी कैपिटल नहीं दिया। अब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपसे पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो देखिए पहले इसकी तो 2 ही, इनकी 1-1 ही कैपिटल है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो 6 3 18, 6 2 12, 18-12 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है पूरे साल का। आप देखिए कि जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर उसमें से किसी एक ही ऑप्शन में ये 18-12 है तो आपको वही आंसर होगा, लेकिन ये 2 में है, पहले में और दूसरे में दोनों में, तो इसका मतलब अभी आपको इसका भी निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका ओपनिंग पे 6 5 30, तो पूरे साल रही है 30,000 रुपये, इस पर इंटरेस्ट हो गया, ये 1 लाख रुपया रहा है आपका 6 महीने, तो इस पर आप निकाल लें 1,06% फॉर 6 मंथ, तो ये कैंसिल 2, 3, तो 3,000, तो 33,000, 18,000 और 12,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका निकालाया। तो देखिए किस में है, ये सेकंड पार्ट में, तो आप आंसर लिख दें इसका, ए का आंसर है सेकंड पार्ट,
ये हो गया आपका। अब देखिए बी में क्या है, बी में लिखा है प्रॉफिट अलाउड टू देम रिस्पेक्टिवली वुड बी, प्रॉफिट कितना कितना होगा। तो देखिए यहां मार्क करते हैं पहले प्रॉफिट दिया कितना है, प्रॉफिट गिवन है 1,21,000। फिर इसमें दिव्यांशु ने 1 दिसंबर में लोन दिया फर्म को, और प्रॉफिट के साथ लिखा है कि प्रॉफिट 121 है बिफोर एनी ऑफ द अबव एप्रोप्रिएशन, कोई एप्रोप्रिएशन जो ऊपर दिया हुई नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो तो इस प्रॉफिट पे यहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आने से पहले ही पीएनएल अकाउंट में लेस होता है, तो पहले उसे लेस कर दें। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 लाख रुपीज लोन है और ये दिया है कब इन्होंने, 6% इंटरेस्ट है क्योंकि रेट दिया नहीं है तो 6 ही लेना पड़ता है पार्टनर के लोन का, और दिसंबर में दिया तो 4 मंथ का, ये कैंसिल, 3, 2, 2, 2 जा 4, 4,000 आपने ये लेस कर देना है। 117 बचता है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल ही लिया 30 और 33, 63,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 54,000 प्रॉफिट हो गया। अब आपने प्रॉफिट इनमें बांटना है, देखिए शैलेश, दिव्यांशु, अरुण, तो प्रॉफिट आप बांटे पहले, रेशो है 3:2:1, तो 6 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, इसको गारंटी मिली है 25 मिनिमम प्रॉफिट की, 16,000 रुपीज कम है तो 16,000 ये दोनों देंगे, 16,000 किस रेशो में देंगे, देखिए रेशो है इनका 3:2:1, तो इसको गारंटी मिली से तो हटाई दी जाओ, 3:2 बचता है, तो आप 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3,200, 32 3 जा 96, इसमें से लेस करना पड़ेगा 32 2 जा 64, यहाँ से लेस होगा और ये 16 ये दोनों मिलकर जो देंगे इसमें जोड़ देंगे, तो इसका तो 25 हो गया, ये आ गया आपका 11,600, ये आपका आ गया 17,400। तो देखिए अब ये प्रॉफिट किस वाले पार्ट में दिया हुआ है आपको, ये फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में दिया, देखिए 17,400, 11,600, 25,000, तो आंसर थर्ड पार्ट, ये आपका सी हो गया। अच्छा मतलब सॉरी बी पार्ट का आंसर हो गया 3, बी पार्ट आ गया आपका। अब आपको सी पार्ट पूछा गया लास्ट में, सेकंड लास्ट, के सी पार्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन दिव्यांशु लोन वुड बी, तो दिव्यांशु के लोन का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया 4,000, तो यहां पर आप लिखें आंसर 4, फोर्थ पार्ट हो गया। अब आइए अब लास्ट डी, विच वैल्यू इज बिंग अपहोल्ड बाय देम फॉर सप्लाइंग लो कॉस्ट स्कूल यूनिफॉर्म एंड बैग्स टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को कम कीमत पर स्कूल बैग और यूनिफॉर्म देकर के कौन सी वैल्यू का अपहोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए सबको पढ़ने का अधिकार है, तो दे आर स्प्रेडिंग द राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन इस राइट को वो अपहोल्ड, इस वैल्यू को अपहोल्ड कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं कि सबको पढ़ने का अधिकार है तो उनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको एक बार आप देख लें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करते हैं। Profit of their business for last 3 years were given below. पिछले 3 सालों का profit है 2,250,450. They now decided to share profits equally with retrospective effect from the last 3 years. अब इन्होंने decide किया कि पिछले 3 साल से ये profit equally share करेंगे। तो आपको बताने इनमें से कौन सी entry correct है? तो हमको क्या करना होगा? देखिए 3 partner हैं। आप यहाँ निकले करें, थोड़ा solve करना पड़ेगा A, B, C. तो जो इनको करेक्ट प्रॉफिट है ना वो तो क्रेडिट होगा पिछले 3 साल में। तो प्रॉफिट इक्वली जो इनको बराबर दिया जाएगा ये इनको क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, जो प्रॉफिट पिछले 3 साल से ये क्रेडिट होगा, जो गलत दे दिया वो वापस दे देंगे। तो प्रॉफिट कितना पिछले 3 साल का 2,250,450, तो ये हो गया 2,489,000 हो गया, तो 3,00,000 तो इनको क्रेडिट होगा सभी को, तो 3,00,000, 3,00,000, 3,00,000। उसके बाद जो है प्रॉफिट गिवन इन 3:2:1 ये डेबिट कर देंगे, इनसे कहेंगे ये वापस कर दीजिए। तो ये 9,00,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 150, 153 जा 450 हो गए, ये 3,00,000 हो गया और ये 150 हो गया, तो ये आपका आंसर मिल रहा है।
150, कौन सा बड़ा है इसमें आपका डेबिट बड़ा है, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये तो नील कोई प्रॉफिट में इसको बढ़ा नहीं जा सकता, ये 150, इसमें क्रेडिट बड़ा है क्रेडिट हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया सी डेबिट टू ए, सॉरी ए डेबिट टू सी, ए स्कैटर डेबिट टू सी स्कैटर, एक और डेबिट ज्यादा हो रहा है इसको क्रेडिट ज्यादा हो रहा है, तो आप देख लीजिए ए डेबिट टू सी सेकेंड आंसर सेकेंड पार्ट, तो आंसर आपका सेकेंड पार्ट, तो ये तरीका है जो करेक्ट प्रॉफिट और क्रेडिट होगा और जो गलती से दे दिया वो इनकरेक्ट वो आपसे वापस देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, तो इसमें डेबिट पड़ा है इसमें क्रेडिट पड़ा है, तो डेबिट ए डेबिट टू सी, तो सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या लिखा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, कैपिटल इनके 3 लाख 2 लाख और 2 लाख है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने 1 लाख रुपीज प्रॉफिट वाले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये आइटम जो नीचे दिए गए इनको एक ट्रांसफर करना भूल गया, इनको क्या गलतियां हुई कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल वाज अलाउड एट 5% इंस्टेड ऑफ 6, इन्वेस्टमेंट कैपिटल 5% दिया जबकि 6% देना था, सैलरी एक्स को 500 पर मंथ, कमीशन वाई को 5000 नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट ड्राइंग 1000 रुपीज नहीं दिया, जर्नल एंट्री आपको देनी है एडजस्टमेंट करने की, तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, पहले वर्किंग बनाइए छोटी सी, तीन पार्टनर है तो एक एक्स्ट्रा बनो, एक फर्म का अलग से करके आप ये बना लीजिए, इससे आप आंसर निकल आएगा, देखिए पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई जेड और ये हो गया फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये सब वर्किंग आपको देखिए, अब आप क्या क्या इनको देना भूल गए हैं क्या देना, तो ले लीजिए सबसे पहले आईओसी शॉर्टेज, आपने क्या करा इसमें लिखा हुआ है कि 5% दे दे इंस्टेड ऑफ 6, तो 1% कम दिया है, तो 1% इनको और देंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे इसके लिए, तो 3 लाख कैपिटल है तो 3000 और क्रेडिट करिए इनको, 2 लाख है तो 2000 करिए, 2 लाख है तो 2000 करिए, तो फर्म डेबिट हो जाएगी 7000 रुपीज से, उसके बाद सैलरी देनी है, सैलरी टू एक्स, एक्स को सैलरी देनी है 500 पर मंथ, तो 6000 रुपीज सैलरी और किसी को कुछ नहीं फर्म डेबिट, उसके बाद कमीशन टू वाई, वाई को कमीशन देना है 5000 रुपीज, तो केवल वाई को क्रेडिट करेंगे और किसी को कुछ नहीं फर्म को डेबिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000 नीचे है तो ये पार्टनर सब डेबिट होंगे क्योंकि ये पार्टनर से लिया जाएगा, जो देते हैं वो क्रेडिट, जो पार्टनर से लेता हूं डेबिट हो जाता है, तो ये तीनों पार्टनर डेबिट और फर्म जो है वो क्रेडिट 3000 रुपीज से, तो ये अब सब हिसाब किताब बन गया। अब देखिए आपको क्या करना है, बल्कि इसको भी आप ले लीजिए इनको, और अब आप आगे देखिए किस तरह से एडजस्ट होगा क्वेश्चन में, देखिए फर्म का टोटल देखिए आप, और यहां देखिए रुपीज फर्म डेबिट हो रही है कितनी 13,18 - 3 15,000 रुपीज, तो हमने इनको इतना पैसा दिया ये वापस, यानी कि हमने इनको 15,000 रुपीज दिया कि जो करेक्ट हिसाब रहता है ये ले लीजिए, लेकिन ये 15,000 इनको प्रॉफिट के रूप में दे चुके हैं तो वो इनसे वापस ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे रुपीज 15,000 इन पी एस आर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:2:1, अगर ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरह समझ लिया तो आप इसमें फंडामेंटली जो पीछे वीडियो हमने अपलोड की थी उसका 5 एडजस्टमेंट वाली वीडियो एक बार देख लेना, उसका सब बताएगा आपको, तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3, 3 2 6 और 3 1 3 पार्टनर्स डेबिट होंगे, फर्म क्रेडिट हो जाएगी 15 से, तो अब इनका आंसर आ जाएगा आपका 7,000, 9,000, 7,000, 7,000, 4,000, 2,000, 18,000, 18, तो फर्म का नील होना जरूरी है, फर्म का हिसाब नील है। अब इनका चेक कर लीजिए, देखिए इसका क्रेडिट पड़ा है 2000, इसका कुछ हिसाब बिल्कुल नहीं बना पाएगा, मतलब इसका डेबिट पड़ा है, तो इसका मतलब हुआ जेड डेबिट टू एंट्री बनेगी आपकी जेड डेबिट टू एक्स 2000 से, अब आप देखिए कहां पर यह एंट्री दीजिए आपको,
चेक डेबिट टू एक्स आंसर थ्री आएगा, क्या लिखेंगे आप आंसर थर्ड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए ये जेड का डेबिट आता है ना, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका थर्ड पार्ट। अब एक पूर्णिमा दीप्ति जानवी तीन पार्ट में है, अब याद देख लीजिए पूर्णिमा दीप्ति जानवी कैपिटल टू लैख और वन लैख, क्या लिखा हुआ इसमें कि देयर कैपिटल से टू टू वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट इज टू बी अलॉटेड 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है, चार्ज है का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्मिले लॉस, भले ही फर्म को नुकसान भी ना हो, 6% देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% हम निकाल लें, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6 टोटल हो गया 30,000 rupees, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, देखिए प्रॉफिट 20 है इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, प्रॉफिट 20,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट तो इंटरेस्ट से कम है तो कैसे है, तो आपको इसमें परवाह नहीं करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है तो फुल इंटरेस्ट अलाउड करना होता है, तो आपका आंसर 12 × 6 यानी पहला वाला आ गया, तो अब इस पर लिखे ए पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट। अब आइए आप डी में लिखा हुआ है प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर, अब देखिए आप कैसे निकालेंगे प्रॉफिट 20,000 rupees आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 rupees तो 10,000 rupees आपका लॉस हो गया, ठीक है ना, तो अब क्या होता है जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है तो ये फुल एक्सपेंस का देते हैं और अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो लॉस जाएगा, फिर उस लॉस को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब आप यहां देखिए पूर्णिमा दीप्ति जानवी लॉस 10,000 × 2/5, 10,000 × 2/5, 10,000 × 1/5 तो 4,000 और 2,000 ये इनको लॉस आएगा सबको, तो देखिए कहां पर दिया हुआ है ये आपको सेकंड पार्ट में दिया, तो बी का आंसर हो गया आंसर सेकंड, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के ये हमारे तरफ से कोशिश थी छोटी सी कि आप लोगों को थोड़ी प्रिपरेशन कराई है केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक आपके सामने चैप्टर फंडामेंटल्स का हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का समझ इसको दिया है, तो आप क्या करें इनको अच्छी तरह समझने के लिए पहले एक बार फंडामेंटल्स के आप सभी वीडियोस देख लें उसके बाद इनको प्रिपेयर करें यार, इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला यानी कि चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर उसके भी करा के देंगे, फिर आपको एडमिशन में ऐसे करके एक एक चैप्टर के आपको पहले करेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद फिर हम एक कंबाइंड आपको टेस्ट कंप्लीट बना करके भी करवा देंगे हमारे साथ, जिससे कि आप पेपर के लिए बिल्कुल टर्म वन के पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और अगर आपको ठीक लगता है पढ़ाई बात तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।